Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to prove theorem six point three, or we can simply say that theorem three of unit number six. Uh, it states that if in two triangles corresponding angles are equal, we are given two triangles. Suppose the triangles be triangle ABC and triangle PQR, and in these two triangles corresponding angles are equal. That means angle A corresponds to P angle a equals to angle p angle b corresponds to angle q angle b equals to angle q and angle c corresponds to angle r therefore angle c equals to angle r now we can say that as per the term the corresponding angles of two triangles that is triangle a b c and triangle p q are equal and we have to prove that their corresponding sides are in equal proportion. That is, AB by PQ equals to BC by QR equals to AC by PR. When we are able to determine their corresponding sides in equal proportion, equal, equal ratio, in the same ratio, then we can say that these two triangles are similar. Okay. हमारे पास दो ट्राइंगल्स दी गई है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए पी क्यू आर इनके कारस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर है तो हमने क्या करना है वी हैव टू प्रूव दैट देयर कारस्पोंडिंग साइड आर इन निकल प्रपोर्शन तब जाके वी कैन से दैट दीज टू ट्रा आर सिमिलर दैट मीन्स हमने प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट दी टू डू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट ओनली ऑन द बेस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ देयर साइड दैट इज इक्वल प्रपोर्शन ठीक है ना बेटा बट वी आर नॉट गिवन That regard any information regarding the size of these two triangles. Therefore, if their corresponding angles are equal, then three possibilities arise for their corresponding sides. One, AB equals to PQ. Dusra, AB is less than PQ, and AB is greater than PQ. Therefore, in order in order to prove this theorem, we have to take three cases. We have to go for three cases. दैट इज केस फर्स्ट वेन ए बी इक्वल तो वी आर हमारे पास दिया गया है हाँ तो गिवन हमारे पास है हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन कौन सी ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ठीक है न बेटा हाँ एंगल ए कॉरस्पेंडिंग एंगल आर इक्वल एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर ठीक है हाँ टू प्रूव तो हमने क्या प्रूव करना है टू प्रूव एक तो देयर कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन टू सॉरी देयर कॉरस्पोंडिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो दी आर फोर सिंपली वी कैन राइट एज ट्राएंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रैंगल पी क्यू आर क्लियर शाबाश तो हम क्या काम करेंगे प्रूफ प्रूफ में हमारे पास मैंने अभी कहा कि रिगार्डिंग दियर साइज ऑफ द साइड्स हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो वट विल हैपन थ्री पॉसिबिलिटीज अराइज तीन पॉसिबलिटी यहाँ पर अराइज होती है वन ए बी इक्वल्स टू पी क्यू ए बी इज लेस देन पी क्यू एंड ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू ठीक है ना नाउ वी विल टेक केस फर्स्ट पहले हम केस फर्स्ट लेंगे क्या है केस फर्स्ट दैट इज रिच इंडिकेट्स दैट तो पहले केस में क्या हम लेंगे वैन ए बी इक्ल टू पी क्यू जब हम ए बी किसके बराबर लेंगे पी क्यू के बराबर नाउ इन ट्राइंगल अब यही दो ट्राइंगल हम लेंगे नाउ इन ट्रैंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ठीक है बेटा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी बताओ क्यों बिकॉज वेरी गुड बिकॉज वो हमारे पास गिवन है शाबाश और क्या ए बी इक्ल टू पी क्यू ये ऊपर हमने क्या किया इसे एज्यूम ठीक है ना एज्यूम किया सपोज किया है और यार पॉसिबिलिटी के राइज होती है यहाँ पे और हमारे पास है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज ये भी हमारे पास गिवन है दियर फोर ट्रा एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्रगल पी क्यू आर ंगल कॉन्ग्रो angle angle ठीक है ना बेटा जब दो ट्रैंगल कॉनग्रेंट है corresponding sides equal, propose, equal, sorry. तो तब जाके इनके कार्डिंग साइड बराबर एक तो हमें ऑलरेडी ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड और ये साइड इसके बराबर फोर बी सी इक्वल टू बी सी किसके बराबर आएगा वेरी गुड बी सी इक्वल टू क्यू आर बाय सी पी सी टी ठीक है बेटा और ए सी ए सी किसके बराबर आएगा वेरी गुड एंड ए सी इक्वल टू पी आर फिर से बाय सी पी सी टी ठीक है ना दियर फोर और इसके बदले हम लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट एज बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू वन ठीक है दिस इक्वेशन फर्स्ट देखो बड़ा बी सी दैट मीन्स यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे वन रह जाता है कामा और है ए सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू वन एज एस सेकंड एंड जो हमने रिज्यूम किया था ए बी इक्वल टू पी क्यू और ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू वन दिस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट ठीक है बेटा तो यहाँ पे जब हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करने जा रहे हैं तो what we get a b divided by pq a b divided by pq equals to bc by qr equals to ac by pr equals to 1 by 1 take a number so that is they now they are in equal proportion the corresponding sides of the triangles whose corresponding angles are equal, then their, co their, their corresponding sides are in equal proportion. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. This is case first. Now, case second. Case second when AB is less than. पी क्यू जब ए बी पी क्यू से when A, is less than ए बी इज लेस पी क्यू जब ए बी लेस सेकंड में हमने क्या किया जब ये से छोटा है ए बी ठीक है ना तो थर्ड केस में क्या होगा जब ये इससे बड़ा भी हो सकता है ठीक है ना बड़ा तो प्रूफ हम क्या काम करेंगे टेक पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट ई एंड एफ ऑन साइड किस किस साइड पे वेरी गुड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रैंगल कौन सी ट्रैंगल पी क्यू आर सो दैट लेकिन कंडीशन क्या है ए बी इक्वल्स टू पी ई एंड A C equals to P F. Take a now in triangles now in triangles up going to triangle Hamlingish very good A B A B C and P E F we have Hameda. ए बी इक्वल टू पीई बिकॉम ठीक है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी बिकॉज ये क्या गिवन है ठीक है बेटा एंगल ए किसके बराबर है एंगल पी के बराबर बिकॉज गिवन और ए सी इक्वल टू पी एफ बिकॉज

Angle C equals to angle F. Let us assume. We are take it as equation first because pay by CPCT these are equal because corresponding parts of congruent triangles. Check it, beta Two congruent triangles. But we are given that. But we are. ट लेकिन हमें क्या दिया गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यूब एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर लेटेस्ट इक्वेशन सेकेंड तो हम क्या काम करेंगे कंपेरिंग हा बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल क्यू इक्वल एंगल एंगल ईक्ल सॉरी सॉरी यहाँ पे एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर दैट इज तो क्या फिर उसे क्या होगा ई e एफ is parallel to qr okay, now now in triangle p q r comma we know by huh, we know that we know that ef is parallel to qr that is

डिवाइडेड बाई हाँ पी आर वेरी गुड बट पी ई इक्वल टू ए बी एंड पी एफ इक्वल टू ए सी डियर फोर तो इसके बदले हम लिख सकते हैं डियर फोर पी ई के बदले क्या है ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर टेक इट इक्वेशन थर्ड सिमिलरली ऐसे ही अगर हम क्या काम करेंगे यही ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू किसके बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर दिस इक्वेशन फोर्थ फ्राम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर वी गेट तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ए बी डिडेड बाई पी क्यूल टू ए सी बाई पी आर दरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल आर इन इक्वल प्रपोर्शन देअर फोर वी कैन से दट ट्रैंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रैंगल पी क्यू आर ठीक है ना बेटा ए बी सी समलर ट्रगल पी क्यू आर नाउ केस थर्ड तो केस थर्ड में बेटा आप क्या काम करोगे वहाँ पे केस थर्ड में ए बी इज ग्रेटर दैन पी क्यू ए बी पी क्यू से बड़ा होगा तो पी क्यू को आप प्रोड्यूस करोगे ताकि ए बी पी क्यू या पी क्यू को प्रोड्यूस करोगे आप ई e, एफ तक ठीक है ना बेटा पी को ई e तक और पी को एफ तक प्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे जाके फिर आप आईसी प्रोसीजर फॉलो करोगे तो एंड यू विल बी एबल टू डिटरमाइन दैट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इन इक्वल प्रपोर्शन है ना दीज टू ट्राइंगल्स आर हाँ सिमिलर देयर फॉर दिस दैट मीन्स केस थर्ड विल रमैन असाइनमेंट फॉर यू और इसके साथ साथ ही ऑफ थाम 6.4 एंड 6.5 वो भी आपके लिए होम असाइनमेंट रहेगा तो उनमें से अगर किसी भी कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो यू विल कॉल ऑन माय नंबर डेट इज़ एट ठीक है बेटा थैंक यू हैव नाइस डे